नमस्कार। नमस्कार। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में केडिया किशन केडिया जी बॉम्बे से एडमिट हुए हैं। इनको बकल म्यूकोसा है। 2017 में इनको डिटेक्ट हुआ और इनकी सर्जरी हुई। उसके बाद 2019 नवंबर में फिर से इनको रिकरेंस हुआ। उनको पता चला कि मुझे वापस से हो गया है। इन्होंने कीमो के डोज लिए और डोज लेने के बाद इनको देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के बारे में पता चला कि यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट होता है इलेक्ट्रोमोपैथी से, और ये आए हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए। 7 दिन का इनका आज 7 डे हो रहा है, और 7 डेज में इनको कितना रिलीफ हुआ है, क्योंकि इनका पूरा स्वेलिंग आ गया था और वो स्वेलिंग में कितना रिलीफ हुआ है ये आप इनके बेटे बताएंगे। जी बोलिए। इनकी स्वेलिंग पूरे इस चेहरे पे इस साइड पे पूरी आ गई थी जी, तो अभी 95% स्वेलिंग कम हो गई जी, और अंदर भी जो स्वेलिंग था वो भी भरनी शुरू हो गई जी। इट्स अ मिरेकल हो गया। क्योंकि क्या हुआ था कि मेरी जो अंदर है, अंदर भी काफी मतलब स्वेलिंग थी, और बाहर अचानक मंडे को पूरा मुंह सूज गया था राइट साइड का जी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि किस तरह से मतलब पूरा मेरा लेवल आ गया है जी। हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट और सारी चीजें, आपका शायद बायो एनर्जी टेस्ट भी हुआ था, जो हम लोग का मतलब मेन है कि कैसे एनर्जी लेवल 7 चक्रों पे हम कैसे काम करते हैं, तो वो भी आपका टेस्ट हुआ था। और फिर आप कैसा मतलब टेस्ट कराने के बाद आपको खुद को पता चला होगा कि वो टेस्ट एक्यूरेट बता रहा है या क्या चीजें हैं? इसमें क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने जो लेफ्ट हैंड था वो जब लेफ्ट हैंड उस पर रखे, तो लेफ्ट हैंड रखने के बाद में क्या हुआ कि जो एनर्जी थी वो मतलब जो मूलाधार जो चक्र होता है जी, और ये जो ऊपर का जो रहता है सर का जो, वो बिल्कुल वाइट दिखाई दे रहा था जी। फिर बाद में उन्होंने केमिकल एक दवा लगाई मेरे बाएं हाथ के ऊपर, जब मैंने वो हाथ फिर से रखा इमीडिएट देखा कि उसके अंदर काफी चेंजेस आ गए, तो फिर मेरे को बिलीव हुआ कि इसमें इतनी पावर है दवा के अंदर कि जैसे हाथ पे लगाते ही मतलब वो एनर्जी उसमें आती है। मतलब आपकी बॉडी में जैसे ही हमने मेडिसिन टच की और आपका एनर्जी लेवल एकदम से हाई हो गया। तो उससे एक आदमी को कॉन्फिडेंस आता है कि जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ट्रीटमेंट देते समय जब वो हाथ पे दवा लगाते हैं कि इसके अंदर कितनी पावर एनर्जी है, मतलब वो एक कॉन्फिडेंस आता है। तो मतलब हमारी मेडिसिन में आपको लगा कि एनर्जी है, आपको जो 7 डेज हमने दी है मेडिसिन, ट्रीटमेंट तो किया ही है, उसके अलावा हमने जो आपकी बॉडी की एनर्जी को बूस्टअप किया है, तो क्या आपको खुद को स्वयं को फील हो रहा है? अभी ये 6-7 दिन पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो चलते समय मुझे बहुत वीकनेस लगती थी, लेकिन अभी जब मैं 2-3 दिन से चल रहा हूँ तो चलते समय मुझे कॉन्फिडेंस है कि मतलब काफी तरह की एनर्जी, और चलने में भी कॉन्फिडेंस आया है जी। इस तरह से हुआ है जी। अभी हम आपको एक महीने की मेडिसिन देकर डिस्चार्ज कर रहे हैं, और होप्स हो कि जो आपने मिरेकल देखा वो मिरेकल होगा और आप बहुत जल्दी ठीक होंगे। हमें तो डिसीज खत्म करनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई मिरेकल नहीं करना है, डिसीज को हमें बिल्कुल खत्म करना है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। एक चीज लोगों को बोलना चाहता हूँ जिनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ है, पहले केमो या डॉक्टर के पास जाने के पहले एक बार देवी अहिल्या हॉस्पिटल में आके अपना टेस्ट करा लीजिए, आपकी बहुत तकलीफें यहाँ पे दूर हो जाएगी जी। थैंक यू।